हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज शर्मा और मेरे चैनल नो कॉस्ट टेक्नोलॉजी पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इस बार मैं वीडियो बहुत ही लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम थी और शादी वगैरह भी चल रही थी तो वीडियो अपलोड कर नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो स्पीडोमीटर की कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसकी सेटिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैंने पिछला वीडियो इसी के ऊपर बनाया था कि आप इसे अपने साइकिल में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन है स्पीडोमीटर की और इसके सेटिंग के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। ये इसमें पहले से कुछ है सिस्टम, तो मैं सब रिसेट करूँगा अभी। इसे रिसेट कैसे करोगे आप कि ये जो पीछे टेप है इसे आप खोलिए, या तो आप इसके लिए एक पेचकस ले लीजिए अगर आपके पास नहीं हो। तो ये कॉइन दिख रहा है आपको, एक या 2 रुपये का, इसकी मदद से खोल लीजिए। इतनी आसानी से खुल जाता है ये बाहर आ गया। जब आप सेल निकालते हो तो ये स्क्रीन बंद हो जाती है और हम इसे फिर से डाल लेंगे, ये टेप लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये चालू हो गई है और ये जो नंबर है ये आपको चेंज करने होंगे अपने साइकिल के व्हील के हिसाब से। तो जो मेरी साइकिल है हीरो होक, इसके अंदर ये वाले नंबर लगते हैं, ये 27x1x4, ये वाले 2161 नंबर है। तो ये हम इसके अंदर सेट करेंगे। अभी ये 2060 है तो हम इसकी जगह 2161 करेंगे। आपकी साइकिल में नॉर्मल ये वाले रहते हैं 26 के, रेंजर अगर आपके पास में 26x225 तो ये नंबर होंगे आपके 2115। और अगर इनमें से अगर आपकी बाइसिकल के नंबर अलग हो ये इतने सारे तो आप मिला लीजिएगा और उस हिसाब से जो सामने नंबर लिखे हुए हैं इधर भी है और इस साइड में भी है, सारे नंबर दिए हुए हैं तो ये सभी साइकिल में लग जाता है। और तो इसके अंदर नंबर है 2161, वो हम इसके अंदर कर लेंगे इस साइड का। उस बटन से ये चेंज होंगे 1 2 3 4 5 और इस नंबर से सीक्वेंस चेंज होगी, सीक्वेंस ये जो है सीरियल। चलिए तो इसके नंबर है 2161, तो 61 ये 1 हो गया। फिर इसके बाद अगर हमें 6 पे लाना है तो 6 पर आ गया इस बटन से। और इसके बाद अगर हमें 0 पर लाना है ये 0 पर आ गया है और इसमें 1 है फोकस का, ये 1 है। तो इसे हम इस वाले बटन से बस ये हो गया सेट। ये दो का 2 ही है, ये किलोमीटर है। अगर आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप मीटर में करना चाहें तो मीटर में हो गया है और किलोमीटर में करना चाहे किलोमीटर में हो गया। जो साइकिल का टायर होगा उसके ऊपर जो नंबर लिखे होंगे उसी नंबर को आप इसके अंदर मैच कीजिएगा इधर और इधर, जो मिल जाए उसे बस आप सामने जो नंबर है वो आप डाल लीजिएगा इसके अंदर, तो आपका स्पीडोमीटर परफेक्ट वर्क करेगा। और भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये इसके अलावा ये मेंटेनेंस है, यहाँ पर दिया रखा है ये इसके अंदर कि आपकी मतलब माइलेज के बारे में बताता है, ये यहाँ तक अगर रीच हो जाएगी तो ये आपको अलर्ट कर देगा उसके बारे में। तो इसे चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही कर दीजिए। ये अभी बढ़ गया 40 पे और ज़्यादा भी हो सकता है, ये 800 तक जा सकता है। ये सिर्फ 60 नहीं है, आस पास में जीरो भी है तो ये 600 है। इसके अंदर लिखा है 200 400 600 800 किलोमीटर तक है, तो आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, मैंने 800 कर दिया है। और अब हम चेंज करते हैं, इसके बाद आते हैं हमें तो ये टाइम है, यहाँ पर ये टाइम कब दिया रखा है तो इसे भी हम चेंज करते हैं। टाइम का ये यहाँ पर है तो इसे हम सेट करेंगे, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा 24 ओवर और 12 ओवर। तो मैं इस बटन को दबाऊंगा ये वाला और ये 24 का हो गया है ना, ठीक है चेंज कर लेंगे हम। पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं, अभी 10:59 हो रहे हैं, मतलब कि 11 बज चुकी है। तो मैं एक और बढ़ा देता हूँ और इसे 00 करना होगा हमें पहले, तो इसे वहाँ तक ले जाना। सेट कर लेते हैं तो ये आपका टाइम सेट हो गया, ये टाइम यही चलेगा। उसके बाद ये ऑडोमीटर सेटिंग आती है। ऑडोमीटर क्या है ये यहाँ पर दिया रखा है इसके बारे में, ऑडोमीटर के बारे में भी। ये जब आप अपनी साइकिल जंपिंग करते हो तो उसके लिए है, वैसे आप इसे सेट नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें अपन कितनी बार जंप करेंगे तो हमें भी नहीं मालूम रहता जब साइकिल चलाते हैं। तो इसे आप 00 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर भी लिखा है ऑडोमीटर और उसके बाद हम ये वाला बटन दबाते हैं। तो उसके बाद आता है डिस्टेंस, तो जो कि जब हम साइकिल चलाएंगे और जब डिस्टेंस हम दूरी तय करेंगे मतलब कि, तो यहाँ पर बता देगा कि हमने कितने किलोमीटर साइकिल चलाई है, यहाँ पर या नीचे, वैसे नीचे बताएगा। तो इसके बाद
आता है मैक्सिमम स्पीड, और यहाँ पर आपकी जब आप साइकिल चलाते हैं फुल स्पीड में तो जितनी आपकी हाईएस्ट स्पीड रहेगी मैक्सिमम वो यहाँ पर हमेशा शो करेगी। मान लीजिए आपकी साइकिल की स्पीड अगर 50 है तो हमेशा 50 शो करेगी, अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो चेंज हो जाएगी, नहीं तो हमेशा वही रहेगी। और ये हमेशा रहेगा किलोमीटर का, और जब साइकिल चलेगी तभी चलेगा ये, तो ये ना लिखा है मैक्सिमम। और उसके बाद ये एवरेज निकलता है, मतलब कि आपकी साइकिल आप कितनी देर में चलाते हो, इतना टाइम बताएगा कि आपने एक घंटे में कितने किलोमीटर साइकिल चलाई वो बताएगा ये। इसके बाद ये जो टाइम है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टाइम कीपिंग है, मतलब कि आप कितनी देर तक आपने साइकिल चलाई है और वो ये यहाँ पर बताएगा कि आपने कितनी देर तक साइकिल चलाई है, मतलब हर बार चेंज होता रहता है ये। और बस यही है, अगर आपने 2 घंटे साइकिल चलाई होगी तो यहाँ पर बताएगा 2 घंटे, और अगर आप ये रख देते हैं तो शायद ये मेरे हिसाब से ये फिर से रिसेट हो जाएगा। हाँ, जब आप अपनी साइकिल रोक देते हैं कहीं पर तो ये ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है। और बस इसके अलावा और क्या होगा इसके अंदर, बस यही है, वही स्कैन आ गया, डिस्टेंस आ गया। स्कैन के बारे में भी है यहाँ पर, ये यहाँ पर साइकिल जो बता रखी है, जब आप साइकिल चलाएंगे अपनी तो ये दोनों व्हील है जो चलते रहेंगे, आप देखने देखिएगा कभी। और भी है इसमें बहुत सारे सिस्टम, ये पावर सेविंग मोड है, जब आप कुछ नहीं पावर सेविंग करना चाहते हो, मतलब कि स्पीड वगैरह कुछ नहीं दिखाना चाहते हो तो आप ये चेंज कर दोगे, तो एक वक्त पर ये सिर्फ यहाँ टाइम बताएगा, तो ये जो थोड़ी देर में अपने आप ये गायब हो जाएगा, सिर्फ टाइम बताएगा उसके अलावा कुछ नहीं, जैसा कि इसके अंदर बता रखा है। ये जरूरी नहीं है, जो जानना जरूर था वो मैंने सब बता दिया है, ये तो बस ऐसे ही है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये कुछ काम का नहीं है, ये बस ये दूर कर दो, ये यहाँ से यहाँ तक ये, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वैसे आप जब नया स्पीडोमीटर खरीदेंगे तो उसके अंदर ये पूरा इंस्ट्रक्शन आएगा, इधर भी है ये इतने इतने काम के हैं ये बस, और ये तो कुछ काम के नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से इस कंप्यूटर स्क्रीन को सेट कर सकते हैं आप, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस तरह से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में इस घंटे को बदल दीजिए ताकि आप मेरे वीडियो को घंटा भी मिस ना कर सकें। तो इस बार का मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 2-10 वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, मेरे पास अभी कुछ भी 2 महीने का समय है, 2 महीने तक मैं फ्री हूँ, तो कोशिश करूँगा कि कम से कम 10 वीडियो अपलोड कर दूँ और जल्दी से जल्दी करूँगा हर हफ्ते। तो आप इसी तरह से अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।